दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपको हम बताएंगे ना कि आप अपना क्रोम ब्राउजर का हिस्ट्री को परमानेंट के लिए डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो यही आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो वीडियो को लाइक करके ब्लैक बटन दबा के हमारे इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ऐसा ही फिर से कुछ नया सीख सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों क्रोम ब्राउजर को हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ऐप को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो सर्च बॉक्स का ऑप्शन है, आपको देखने को मिला होगा। सिंपली क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जो भी है यहाँ से दोस्तों हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद कोई भी सर्च कर दिए और यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद फिर से सर्च वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं और आप चाहते हैं जो भी अभी हम सर्च किए वो यहाँ से परमानेंट के लिए डिलीट हो जाए, पूरा हिस्ट्री डिलीट हो जाए। तो आप क्या करते होंगे, मान लीजिए इस पर क्लिक करते होंगे और ओके पे क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देते होंगे। लेकिन दोस्तों ऐसे डिलीट नहीं होता है हिस्ट्री, आपको रियल तरीका क्या है, यहाँ से बैक आइएगा। बैक आने के बाद जैसे अपना क्रोम ऐप ओपन करिएगा, तो ओपन करने का ऊपर के साइड में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो सिंपली आपको थ्री डॉट ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। आप जैसे ही थ्री डॉट ऑप्शन में क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे कितने सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों मिलने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तीसरा नंबर पर आपको हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों तो सिंपली आपको हिस्ट्री वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो भी हम सर्च करते हैं ना यहाँ पे आके आ जाता है। अगर दोस्तों आप यहाँ से भी हटाइएगा ना तो यहाँ से भी परमानेंट के लिए नहीं हटेगा। अगर दोस्तों कोई चलाक बंदा होगा ना तो फिर भी आपको पता कर लेगा अगर यहाँ से भी हटाइएगा तो कैसे परमानेंट के लिए इसको पूरा का पूरा को हिस्ट्री को यहाँ हटा सकते हैं कैसे। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर के साइड में ये आपको डिलीट करके ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो सिंपली आपको इस वाला ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन में क्लिक करें दोस्तों, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सब पे सिलेक्ट किया हुआ रहेगा। तो आपको ये सब पे सिलेक्ट कर रहे सब पे सिलेक्ट दोस्तों आप किया हुए रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको इस ऑप्शन पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल के आएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए 15 मिनट पहले आप कुछ भी चीज़ देखे हैं ना तो आपको 15 मिनट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अगर आप 24 घंटा पहले जो भी आप सर्च किए हैं तो इस पर क्लिक करिएगा ना तो 24 घंटा तक यहाँ से रिमूव हो जाएगा दोस्तों, डेटा क्लियर डेटा यहाँ से हो जाएगा। अगर दोस्तों आप बहुत पहले से यहाँ पर सर्च किए हुए आ रहे हैं तो आपको ओल्ड डेटा पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओल्ड डेटा पर सेलेक्ट किए हुए रह दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो नीचे के साइड में कोई इस वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों सिंपली आपको दोस्तों डिलीट डाटा पे आपको क्लिक कर देना होगा। आप जैसे डिलीट डाटा पे क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 से 3 सेकेंड टाइमिंग लगा दोस्तों। लगने के बाद यहाँ से आपको पूरा क्लियर है, यहाँ से आपका डाटा हो जाएगा दोस्तों, आपको पूरा क्रोम ब्राउज़र का हिस्ट्री दोस्तों यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब कोई भी यहाँ से आपको नहीं चेक कर सकता कि आपने यहाँ पे क्या सर्च किया नहीं सर्च किया। लेकिन उससे यहाँ पे आप जो भी आप सर्च करेंगे यहाँ पे आपको ऐसे करके ओके पे क्लिक करके यहाँ से आपको डिलीट कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हम इस पर हिस्ट्री पर आते हैं तो यहाँ पर आपको क्लियर हमको दिख रहा है। ऐसे कर दीजिएगा दोस्तों तो आप परमानेंट के लिए यहाँ से अपना क्रोम ब्राउज़र का हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही और कुछ नया फिर से देखने सीखने के लिए हमारे इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।